अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स आर्टोडेक्स रेवेट 2017 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्टोडेक्स 2017 के इस लेसन में आपको मैं एक और टिप्स और ट्रिक बताने जा रहा हूं। बेसिकली सम टाइम ऐसा होता है, बास मरतबा जब आप काम कर रहे होते हो, कोई ऑप्शंस किसी कमांड को आप अपने बिल्कुल करीब से उठाना चाहते हो, लाइक अगर आप उसकी शॉर्टकट नहीं लगाना चाह रहे हो, आप अपने रेवेट के अंदर कमांड्स बार में रिबन में नहीं जाना चाह रहे हो, उसको बिल्कुल अपने पड़ोस से उठाना चाह रहे हो, मीन ड्राइंग एरिया से उठाना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे उठाएंगे? ठीक है, मतलब इससे पहले वाली फाइल के अंदर जब मैंने आपको बताया था कि आप अपने पास रिपीट कैसे करते हो, तो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। ठीक है, जैसे मेरे पास वॉल थे, डोर था, विंडो थे, लाइक दिस, ये चीजें मैंने बनाई हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको इन चीजों का मुकम्मल प्रोसेस नहीं बताया बनाने के लिए, लेकिन ये मेरे टिप्स और ट्रिक के लेसन है। जब हम प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करेंगे, उसमें ये तमाम चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, तो इस वजह से ये तमाम चीजें आपको पहले से कन्फर्म होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि ये जो डोर है, अगेन मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास ये जो विंडो है, इसको भी आप यहाँ पे डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर कॉपी पेस्ट समथिंग समथिंग लाइक दिस, ये ऑप्शन घूम रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोडिक्स के ऊपर, जो क्या करता है, आप जिस कमांड को चाहते हैं जो यूज हुई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसको दोबारा रिपीट कर देता है। कैसे? लाइक दिस के मेरे पास ये डोर है, मुझको इधर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे क्रिएट सिमिलर। तो जैसे ही आप इधर क्लिक कर देंगे, तो आप क्या करेगा, अगेन उस कमांड को एक्टिव कर देगा। आपके पास ये बेसिकली कमांड को एक्टिव कर देता है। देखिए, तो आपके पास ये डोर बिल्कुल अगेन बन रहा है। ठीक है, स्किप कर देता हूं, फिर दोबारा से स्किप कर दिया दो मरतबा मैंने। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास ये विंडो एक्टिव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, इसे कह देंगे क्रिएट सिमिलर। तो आप अपने पास इस विंडो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्किप किया, आप कहते हैं कि दो मरतबा स्किप करने से आप कैंसिल कर देते हैं। आप कहते हैं आपके पास वॉल एक्टिव हो जाए, राइट क्लिक करें, इसे कह दें जी क्रिएट सिमिलर। अब आपके पास जो आपके माउस के अंदर जो ऑप्शन आ चुकी है, वो आपके पास आपकी वॉल की आ चुकी है। तो डिटेल्स इस तरह से अब अपने पास जो आपकी लास्ट कमांड्स या वो कमांड्स जो पहले से यूज हुई होती है यहाँ पे, उनको आप दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक क्विक तरीका है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको बताता चलूं इस टिप्स एंड ट्रिक के लेसन में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेसन था टिप्स एंड ट्रिक का। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए, या अगर आपको इन वीडियोस की तमाम डीवीडी क्वेश्चन चाहिए, तो प्लीज कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ybl.com पे, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy, से हमारा फेसबुक का भी आईडी है xpacademy। स्टूडेंट्स, xpacademy.com पे कोई भी कोर्स आप कंप्लीट कर देते हैं, उसका बकायदा एट द एंड में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अगर मेरा लाना चाहे तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। सब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।